हाय एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कि अगर आप जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप इस बैंक में किस तरह से ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस के साथ ओपन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहां पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। वीडियो आज का काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जाना बैंक जो कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इस बैंक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर कई सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने की सुविधा देती है। मतलब जाना बैंक में अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जाना बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जाना बैंक जाना ही नहीं पड़ेगा। जाना बैंक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कस्टमर ID सब कुछ आपको इंस्टेंट मिल जाते हैं और आप अपने इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। जाना बैंक की तरफ से आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही डेबिट कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है वे आपका इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाते हैं और इस डेबिट कार्ड के माध्यम से आप इस बैंक का मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर पाओगे। जाना बैंक की तरफ से आपको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा मिलता है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम जाना बैंक का इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ना यूज करें, हम कोई अदर UPI एप्लीकेशन यूज करें, तो आप अदर UPI एप्लीकेशन जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह सबका यूज कर सकते हैं। जाना बैंक की तरफ से आपको काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपके सेविंग अकाउंट पर जितना भी बैलेंस होता है उस पर भी आपको 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। जाना बैंक आपको दो तरह से KYC कंप्लीट करने की सुविधा देती है। आप चाहे तो अपना ब्रांच विजिट करके भी कंप्लीट KYC कर सकते हैं। अगर आप ब्रांच विजिट नहीं करना चाहते हैं तो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से यहाँ पर वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी दिया जाता है। आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपना कंप्लीट KYC कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप KYC कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं तो विदाउट KYC भी आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन कर दिया जाता है और आप अपनी इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। इस बैंक की तरफ से आपको RTGS, IMPS और NEFT पेमेंट्स की भी सुविधा मिल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस के साथ भी अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी तरह की लोन लेने की जरूरत पड़ गया, जैसे कि एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, तो आप जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक से काफी कम इंटरेस्ट रेट पर अपना लोन ले सकते हैं। इसके अलावा जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से आपको और भी कई सारी सुविधा दिया जाता है जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आप जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में किस तरह से ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन। दोस्तों, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां पर देखिए, अकाउंट ओपन करने के लिए यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट नाउ का। आप यहां से स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अकाउंट ओपनिंग पेज पर आ जाते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करना है। जो भी मोबाइल नंबर आप जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ लिंक करना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से OTP सेंड किया जाता है। यहाँ पर देखिए OTP कोड आ चुका है। आप इस OTP कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद जब आप यहाँ पर ईमेल आईडी सब कुछ एंटर कर देंगे, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सेकेंड स्टेप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जो भी आपके पैन कार्ड के नंबर होगा, आप अपना पैन कार्ड के नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। पैन कार्ड के नंबर आप जैसे ही यहाँ पर एंटर करते हैं, आपका पैन कार्ड यहाँ पर वेरीफाइड हो जाता है। आपका नेम यहाँ पर शो करने लगता है, जो भी नेम आपके पैन कार्ड पर होता है। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ से कोई भी एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट करनी होगी। चाहे तो आप आधार नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, वोटर आईडी या फिर CKYC ID। तो हम यहाँ पर आधार नंबर को सिलेक्ट करता हूँ और जो भी आधार नंबर होगा वह आधार नंबर हम यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे ही आप अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करते हैं, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर में एक OTP कोड सेंड किया जाएगा। यहाँ पर देखिए OTP कोड आ चुका है। आप अपना OTP कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना OTP कोड एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, आप इसको यहाँ पर टिक लगा करके एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे।
इसके बाद आपके आधार कार्ड से आपका पूरा डिटेल यहाँ पर ले लिया जाता है, जो भी आपके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ होता है, एड्रेस होता है, सब कुछ यहाँ पर आ जाते हैं। आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है, क्या आप उसी एड्रेस पर में रहते हैं। तो आपके आधार पर जो भी एड्रेस है, अगर आप उस एड्रेस पर रहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अदरवाइज आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है, आप उस एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और जिस भी एड्रेस पर में आप रहते हैं, आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। तो हमारे आधार कार्ड पर जो एड्रेस है, हम उसी एड्रेस पर रहते हैं, हम यहाँ पर यस करते हैं। नीचे में यहाँ पर आपको अपने मदर के फुल नेम एंटर करना होगा और यहाँ पर फादर के फुल नेम। यहाँ से आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी वे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए, आपको अपना ऑक्यूपेशन टैब सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप क्या काम करते हैं आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, आप इसको टिक लगा करके एक्सेप्ट करेंगे। नीचे में आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, जब आपका ये पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा तो आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अपने इस अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर नॉमिनी के फुल नेम एंटर करेंगे। नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, वे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ होगा, वे आप यहां पर एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे में यहां पर आपको नॉमिनी का एड्रेस फिल करना होता है। अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप अपने एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट करेंगे। और जो भी नॉमिनी का एड्रेस होगा, वे आप यहाँ पर फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, जो भी पिन कोड होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, जो भी स्टेट होगा, सब कुछ आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। आप नॉमिनी बाद में भी ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी मैं ऐड नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने नो वाले ऑप्शन पर क्लिक किया हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना होगा। अगर आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे टिक लगा करके। और नीचे में आपको एक नेक्स्ट का आइकॉन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप वीडियो केवाईसी नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे और इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे कि मुझे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अभी केवाईसी कंप्लीट करना है, हम यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक लगा करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया हूँ। नीचे आते हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आप वीडियो केवाईसी वाले पेज पर आ जाते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है वीडियो केवाईसी करने के लिए। जैसे कि आप जहाँ पर रह करके वीडियो केवाईसी करेंगे, वहाँ पर लाइटिंग अच्छा होना चाहिए, साथ ही इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। और फिर वीडियो केवाईसी करने के लिए नीचे में यहाँ पर देखिए, आपको एक स्टार्ट कॉल विद द एजेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपसे आपका लोकेशन का परमिशन मांगा जाता है वीडियो केवाईसी करने के लिए, आप यहाँ से अलाउ करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कैमरा का परमिशन देना होगा, आप इसको भी यहाँ से अलाउ करेंगे। इसके बाद आपका वीडियो कॉल कनेक्ट हो रहा होगा, आपको यहाँ पर थोड़ा देर वेट करना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, नीचे में आपको शेड्यूल करने का भी ऑप्शन आएगा। आप चाहें तो अभी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी नहीं भी कर सकते हैं, आप बाद में भी केवाईसी कर सकते हैं। आप अपना शेड्यूल यहाँ पर लगा सकते हैं। शेड्यूल लगाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो आज का भी यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, टुडे वाले जो ये लाइन है, आप यहाँ पर आज का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। टुमारो आप कल का भी यहाँ पर शेड्यूल सेट कर सकते हैं, या फिर आप डेट के मुताबिक आप अपने हिसाब से यहाँ पर शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि आप किस टाइम में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं। तो फाइनली हमारा शेड्यूल यहाँ पर सेट हो चुका है। यहाँ पर देखिए, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से मुझे मैसेज भी आ चुका है, इसे मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसमें वीडियो केवाईसी का एक लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर मेरा टाइमिंग और डेट शो कर रहा है कि किस डेट को मुझे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना है। उस टाइम में जब हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप वहां पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपने यहां पर जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे, जो भी आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड किया होगा, उस पर में जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से टेक्स्ट मैसेज किया जाता है, मेल किया जाता है, जिसमें आपके अकाउंट के सारा इन्फॉर्मेशन सेंड किया जाता है।
इसके अलावा जो भी जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का वेलकम किट होता है जिसमें आपका डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, वे आपके एड्रेस पर में बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाता है। 1 वीक या फिर 2 वीक के अंदर में जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का वेलकम किट आपके एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इसमें कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर डाल करके लॉगिन करेंगे तो इस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में आपको अपने अकाउंट के सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में ही आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। आप उस वर्चुअल डेबिट कार्ड को किसी भी अदर यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह में ऐड करके आप अदर यूपीआई एप्लीकेशन भी यूज कर पाओगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ क्लियरली समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के सवाल हैं तो आप अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम आपके सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में ही देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी कारण से हम आपके सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में ना दे पाएं, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपके सवाल के जवाब एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।